नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे में मैं जयप्रकाश पांडे आज फिर पांच किताबों के साथ हाजिर हूँ। ये किताबें उर्दू की दुनिया की हैं, भारतीय लोकगीतों की हैं, लोक जीवन की हैं, उद्योग जगत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार होने वाले व्यक्ति और उस उद्योग साम्राज्य के विकास की कथा भी है। इसके अलावा एक नई कहानीकार का उपन्यास, साथ ही दलित साहित्य के एक बड़े हस्ताक्षर आज के दौर के बारे में कविताओं के माध्यम से क्या कहते हैं, इनकी भी बातें हैं। आज की हमारी पहली किताब है मुंशी दुर्गा सहाय, सुरूर जहानाबादी समग्र। सुरूर जहानाबादी का नाम उर्दू साहित्य के पारखियों के लिए, जानकारों के लिए और उर्दू शायरी के प्रशंसकों के लिए हो सकता है कि बहुत नया ना हो, लेकिन जो लोग नए हैं, हमारे जैसे जो प्रशिक्षु हैं, जो उर्दू पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उर्दू को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये एक नया नाम है। खास बात यह कि सुरूर जहानाबादी महज 37 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने जो कुछ लिखा उसके महत्व को हम इस तरह समझ सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद, अल्लामा इकबाल और हाल ही जैसे बड़े नाम उनके न सिर्फ प्रशंसक थे बल्कि उनके साथ उनके मित्रवत संबंध थे। सुरूर जहानाबादी को गए हुए 100 साल से अधिक होने को है, बावजूद उसके उनके साहित्य के बारे में खासकर हिंदी में देवनागरी लिपि में साहित्यिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस बात के लिए डॉक्टर अलीफ नाजिम को श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने बहुत मेहनत से यह शोध प्रबंध और इस पुस्तक का संपादन किया है। 5 खंडों में विभाजित यह पुस्तक सुरूर जहानाबादी के जीवन से जुड़े उनके संघर्षों, उनकी नज़मों, उनके बारे में लोगों की टिप्पणियां, उनका एक ऐसा गद्य जो पहले कहीं प्रकाशित नहीं हुआ था या हिंदी में प्रकाशित नहीं हुआ था की बात भी करती है। इस पुस्तक में कुल 824 पृष्ठ हैं और सुरूर जहानाबादी के जीवन के शुरुआती हिस्से में यह बताते हैं डॉक्टर नाजिम कि उनका परिवार किस तरह से हकीमों का परिवार था, आज़ादी के पहले इतने साल पुराने वक्त में जीवन यापन के बहुत अवसर नहीं थे, पढ़ाई के शिक्षालय नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, स्कूल नहीं थे और उर्दू ही पढ़ाई का एकमात्र माध्यम था। इसके बावजूद उनके पिताजी ने अंग्रेजी की पढ़ाई पर जोर दिया, लेकिन आर्थिक हालात इतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे सुरूर जहानाबादी के जीवन के कि वो आगे की शिक्षा कर पाते। उन्होंने अपने पिताजी के हकीम खाने में हाथ बटाना शुरू किया और नज़में लिखनी शुरू की। शायरी से ज़्यादा, गज़ल से ज़्यादा नज़में लिखी उन्होंने, शेर शायरी और एक गद्य लिखा, लेकिन कोई ऐसा विषय नहीं है। उस दौर में अंग्रेज़ी पढ़ने वाले गिने चुने लोगों में वो शुमार होते हैं। उन्होंने फारसी और उर्दू को एक नई दिशा दी। जो लोग उर्दू के पारखी हैं उनको यह पुस्तक निश्चित रूप से पसंद आएगी। अगर मैं इसमें से कोई एक अंश पढ़ूं, तो आप यह समझ पाएंगे कि वह किस तरह के कलमगार थे। है खात्मे का भी दिल में कभी ख्याल आया, तुम्हारे लब पे भी है ये कभी सवाल आया। हम ऐसे वक्त पे होंगे अजल का आह शिकार, सफर को होंगे न दुनिया ये दूं से जब तैयार। सुरूर जहानाबादी समग्र पुस्तक में तमाम खासियतें हैं। एक ही जगह पर एक भूल चुके शायर के बारे में तमाम सामग्रियां, उसका पूरा लेखन उपलब्ध है। अगर इस पुस्तक की खामी की बात करें तो यह पुस्तक बहुत ही महंगी है और लेखक और प्रकाशक अगर चाहते तो इसे दो हिस्सों में बांट सकते थे, एक में सुरूर के जीवन के बारे में और दूसरा उनकी रचनाओं के बारे में। इससे किताब सस्ती भी होती
और सभी के लिए उपलब्ध हो पाती। निश्चित रूप से यह पुस्तक आप सभी के लिए उपयोगी होगी जो लोग इसको पढ़ना चाहते हैं। इसे वेद प्रचार मंडल से मंगवा सकते हैं। इस पुस्तक का मूल्य 1200 रुपये है। बुक कैफे में आज की हमारी दूसरी पुस्तक है हीरो की कहानी। हीरो का नाम तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये फिल्मी दुनिया के हीरो नहीं है, ये वो हीरो है जिसने हीरो साइकिल दी, वो हीरो जो हीरो हुंडा दिया, वो हीरो जिनके जनरेटर, जिनकी मोटरसाइकिल, जिन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दुनिया को एक अलग दिशा दी। ये ब्रिजमोहन मुंजाल जी के बारे में और उनके 4 भाइयों के बारे में कहानी है जिसे उनके छोटे बेटे सुनील कांत मुंजाल ने लिखी है। यह पुस्तक पहले अंग्रेजी में द मेकिंग ऑफ हीरो के नाम से छपी थी। इस पुस्तक को हिंदी में मंजुल प्रकाशन ने छापा है। 199 रुपये की यह पुस्तक सुधीर दीक्षित और जोगेंद्र सिंह के अनुवाद से हिंदी में आ सकी है। अब जैसा कि इस पुस्तक के कवर पे लिखा है, 4 भाइयों का औद्योगिक चमत्कार। सुनील कांत मुंजाल ने इस पुस्तक के लिए इतनी मेहनत की है, हजारों लोगों से उन्होंने बात की है। ब्रिजमोहन मुंजाल जी के जन्मदिन पर उन्होंने उनके तमाम दोस्तों से चिट्ठियां मंगवाई थी, उनके अनुभव मंगवाए थे। पहले उनका उद्देश्य था कि इन चिट्ठियों को उसी रूप में छापा जाए। बाद में उन्हें लगा इन चिट्ठियों को पढ़कर कि उनके पिताजी का एक अलग ही रूप है और हीरो होंडा साम्राज्य को कायम करने में न केवल उनके पिताजी का बल्कि उनके भाइयों का, उस समय का और राजनेताओं और दूसरे औद्योगिक घरानों, उनके डीलरों, डिस्ट्रीब्यूटरों का भी बहुत बड़ा योगदान था। यह अपने आप में एक कमाल की बात है कि पाकिस्तान के एक छोटे से हिस्से में, तब जब वह भारत का ही हिस्सा था, एक परिवार जो कृषक परिवार था जिसमें 4 भाई थे, खेती जिनके जीवन यापन का एक बड़ा माध्यम था, उनमें पहला पढ़ा हुआ लड़का ब्रिजमोहन मुंजाल थे जिनको डिफेंस में क्लर्क की नौकरी मिली थी। और क्लर्क की नौकरी से पहली बार वो 160 रुपये महीने तनख्वाह पाने वाले अपने परिवार के सबसे सक्षम व्यक्ति थे। देश का विभाजन होता है और वह परिवार जो खेती से, छोटे मोटे कारोबार से और जो एक व्यक्ति की नौकरी पर निर्भर रहता है वह उजड़ जाता है और अमृतसर और लुधियाना, दिल्ली, बम्बई होता हुआ साइकिल के कल पुर्जों के कारोबार से साइकिल की असेंबलिंग करना, उस असेंबलिंग से एक बड़ी फैक्ट्री को लगाना, फैक्ट्री के अलावा देश में एक लीडरशिप देना और फिर समय के हिसाब से हीरो होंडा जैसी एक ऑटोमोबाइल कंपनी की स्थापना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है। यह पुस्तक ब्रिजमोहन मुंजाल के संघर्ष के साथ इस बात को भी दिखाती है कि पंजाब के नेता प्रताप सिंह कैरो ने किस रूप में विस्थापितों की मदद की थी और उनकी मदद, इस बात के लिए सुनील कांत मुंजाल जी को श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने कैरो के योगदान को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से याद किया है। उन्होंने इस बात को भी याद किया है कि हीरो साम्राज्य के विकास में आर्य समाज की, उनके आध्यात्मिक जीवन की, उनके पारिवारिक संस्कारों की और उनके सामाजिक व्यवहार की कितनी कीमत थी। होंडा से किस तरह से उनको करार मिला उनके पिताजी को, इसका भी जिक्र उन्होंने किया है। यह पुस्तक निश्चित रूप से बिजनेस को जानने वाले, जीवनियों का अध्ययन करने वाले और उन लोगों के लिए भी जो संघर्ष की राह पर ईमानदारी के साथ चलकर आगे बढ़ना चाहते हैं बहुत ही उपयोगी होगी। हीरो की कहानी पुस्तक में अच्छाई यह है कि एक बड़े औद्योगिक साम्राज्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें एक स्थान पर जानने को मिलती हैं। भारत के विभाजन के दौर में जिस परिवार के पास 1 रुपया नहीं था, वह परिवार
अरबों के कारोबार का मालिक कैसे बना? इसके अलावा इतने बड़े परिवार में जब विभाजन होता है तो कितने सलीके से वे अपनी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को अमीर बनने के बाद बांटते हैं, इसका विवरण इस पुस्तक की सबसे बड़ी खासियत है। जहाँ तक कमी की बात है, इस पुस्तक को अगर दो हिस्सों में बांटा जाता तो शायद ज़्यादा उपयोगी होती। बिजनेस के छात्रों को सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि कोई औद्योगिक साम्राज्य कैसे बना, और किसी भी बड़े उद्योगपति की जीवनी के बारे में आम पाठक भी बहुत ज़्यादा रुचि रखता है। तो आम पाठकों के लिए इस पुस्तक को ब्रिजमोहन मुंजाल जी की जीवनी अलग की जा सकती थी और हीरो साम्राज्य की औद्योगिक यात्रा को अलग रखा जा सकता था। उम्मीद है प्रकाशक और लेखक इस बारे में विचार करेंगे। आज की हमारी तीसरी पुस्तक है डॉक्टर कुमार विश्वास की। कुमार विश्वास हिंदी काव्य मंच का जाना माना नाम है, उन्हें कविराज कहा जाता है। उन्होंने युवाओं के बीच हिंदी को बढ़ावा देने में अकेले जो योगदान किया है उसका दूसरा कोई शानी आज के दौर में, आधुनिक दौर में नहीं मिलता। युवाओं के बीच वो बेहद लोकप्रिय हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस लाखों में देखे जाते हैं। वह जिस भी मंच पर होते हैं एक अलग क्षमा बांध देते हैं। अब कविराज ने ब्रज व कौरवी लोक गीतों में लोक चेतना जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक क्यों लिखी, यह अपने आप में विचारणीय है। हालांकि मंच पर वह लोक गीतों को और लोक संस्कारों को, लोक जीवन में व्याप्त गायकी को हमेशा लेते रहे हैं, लेकिन यह पुस्तक अकादमिक है और इसे देखने पर लगता है कि कुमार विश्वास ने जो शोध कार्य किया था उसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराया है। ब्रज और कौरवी में लोकगीतों का बहुत ही महत्व रहा है, पारिवारिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, हर वक्त के लिए, हर समय के लिए गीत हैं। हमारा जीवन श्रुतियों से ही चला आया है, सुन के ही चीज़ें आगे बढ़ी हैं, इसलिए ये गीत किस ज़माने के हैं, किस दौर के लिखे गए, इनका कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि पुस्तक के आखिर में डॉक्टर विश्वास ने बहुत सारे धर्म ग्रंथों, बहुत सारे संदर्भ ग्रंथों का जिक्र किया है, धर्म ग्रंथों का जिक्र किया है, तमाम नाटककारों का जिक्र किया है, बड़े हिंदी साहित्यकारों का जिक्र किया है, लेकिन इस पुस्तक में अच्छाई यह है कि यह जहां अकादमिक तौर पर लोक गीतों में रुचि रखने वाले शोधार्थियों और छात्रों के लिए उपयोगी हो सकती है, वहीं इस पुस्तक की सबसे बड़ी कमी यह है कि डॉक्टर विश्वास ने इसमें परिष्कृत हिंदी शब्दों का प्रयोग किया है। परिष्कृत हिंदी, एक तरफ आप लोकगीत की बात कर रहे हैं या जनजीवन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे सामान्य तौर पर कम पढ़े हिंदी के लोग या वे लोग जो संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग नहीं करते उनके लिए अबूझ है। यह पुस्तक वाणी प्रकाशन से छपी है और इसका मूल्य 299 रुपये है। आज की हमारी चौथी पुस्तक है साधना जैन की जूहू चौपाटी। इस पुस्तक के कवर पे लिखा है कि ये दिव्य प्रकाश दुबे के राइटर्स रूम से है। दिव्य प्रकाश दुबे नई वाली हिंदी के बड़े लेखक हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं और उन्होंने नए लेखकों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से यह एक सीरीज से शुरू की है। यह पुस्तक उस क्रम में पहली पुस्तक है। साधना जैन की यह पहली किताब है और इस उपन्यास में वह एक ऐसी हीरोइन की कल्पना करती हैं जो अपनी हत्या के बाद अपनी कहानी कहती है। वह देखती है कि उसके जीवन में क्या घटा, वह देखती है कि उसके जीवन में आगे क्या हो रहा है, वह अतीत को याद करती है और आखिरी के पन्नों में वह यह कहती है कि तुम मारने वाले को मुझसे इतनी जल्दी क्या थी, अगर उसने कुछ समय दे दिया होता मुझे तो मैं जीवन को और दूसरे ढंग से जीती।
बहुत ही रोचक शैली में यह उपन्यास लिखा है। छोटे छोटे इसके हिस्से हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं और बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं जिनमें जीवन दर्शन है। शायद साधना जैन की अपनी ज़िंदगी के अनुभव और उनके अपने संघर्ष भी इसमें शामिल हैं। इस पुस्तक की अच्छाई यह है कि इसमें सरल भाषा से समझ में आने वाली हिंदी से आज के दौर के लोगों की बात लिखी गई है। इस पुस्तक की खामी अगर कहा जाए तो यह हो सकती है कि इस पर दिव्य प्रकाश दुबे के राइटर्स रूम से जो नाम लिखा है यह नाम छोटा हो सकता है। लेखक का नाम और पुस्तक का नाम ज़्यादा बड़ा होता तो अच्छा होता है। इसके प्रकाशक हिंद युग्म है और इस पुस्तक का दाम 150 रुपये है। वादे के मुताबिक मेरी पांचवी पुस्तक दुनिया के बाजार में काव्य संकलन है। जयप्रकाश करदम इसके रचनाकार हैं। करदम दलित साहित्य का बड़ा नाम है। कई उपन्यास, कथा संग्रह, कविता संग्रह आ चुके हैं और इस पुस्तक की भूमिका में वह लिखते हैं कि दुनिया एक बाजार है। बाजार में हर वस्तु का मोल होता है, वो खरीदार उसका दाम तय करता है और जिसके पास दाम नहीं होता उसके लिए बाजार का कोई महत्व नहीं होता। जाहिर है पुस्तक की भूमिका में अगर उन्होंने लिखा है तो अंदर की कविताओं में यही बात होगी। इस संकलन में 111 कविताएं हैं और कुछ रंग उन कविताओं के। एक कविता का शीर्षक है अनमनापन। नफरत को चाहिए पूरी तवज्जो, जैसे प्यार को चाहिए पूरा मन और अपनापन। पूरे मन से हो तभी हो पाता है सलीके से कोई काम। पूरे मन से ही हो पाती है नफरत भी। प्यार की तरह अनमने मन से नहीं होती नफरत, जैसे नहीं होता प्यार अनमनेपन से। मौत और मोहब्बत एक कविता का शीर्षक है। नज़दीकी रिश्ता है मौत और मोहब्बत के बीच, जो मोहब्बत करते हैं वे कहीं ना कहीं खुद को मारते हैं। जो मौत के पास जाते हैं वे भी होते हैं मोहब्बत की गिरफ्त में। लगभग एक जैसी होती हैं मौत और मोहब्बत की चाहतें। मोहब्बत को दिल चाहिए, मौत को धड़कन। न दिल के बिना जी सकता है इंसान, न धड़कनों के बिना। फ़र्क सिर्फ इतना है मौत और मोहब्बत के बीच, मोहब्बत जीना सिखाती है, मौत जीना भुलाती है। मोहब्बत ज़िंदगी की दोस्त है, मौत है ज़िंदगी की दुश्मन। ऐसी ही कविताओं को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। इस पुस्तक को अमन प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 295 रुपये है और इस पुस्तक में मुझे कोई कमी नहीं मिली। बुक कैफ़े के इस अंक को आपने पसंद किया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी हमें अपने सुझावों से अवगत कराएंगे। इस कार्यक्रम में हमने कुछ बदलाव किए थे। हर पुस्तक के बारे में मुझे बतौर पाठक क्या पसंद आए, मुझे बतौर पाठक क्या कमी लगी, उससे मैंने आपको अवगत कराया। अगर आप इन पुस्तकों को खरीद कर अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर आप इस कार्यक्रम में कुछ पुस्तकों को शामिल कराना चाहते हैं तो अपने सुझाव हमें लिख भेजें। आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। अगले हफ्ते फिर कुछ पुस्तकों के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए विदा। नमस्कार।